आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रविवार की सुबह जगह थाना क्षेत्र के गुर्रा नदी में एक अज्ञात प्रेमी युगल का मिला नदी में तैरता हुआ शव। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे जगह थाना प्रभारी के साथ एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने शव को बाहर निकलवा कर कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। कहा, पुलिस हर बिंदुओं पर कर रही है जांच, युवक व युवती की करवाई जा रही है पहचान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी आगे की कार्यवाही। रामगढ़ताल पुलिस व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में दो लुटेरों को किया गिरफ्तार। पुलिस की गोली से दोनों लुटेरे हुए गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर मेडिकल कॉलेज में करवाया भर्ती। एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक मोबाइल व लूट का 3 लाख रुपए किया बरामद। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक बन रहे फोर लेन का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने किया निरीक्षण। कार्यों को बरसात से पहले पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर जिले के सभी ग्राम प्रधानों को दी बधाई व शुभकामना। कहा, अच्छा कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों को जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है सम्मानित। मुख्य राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के सभी लेखपालों के कार्यशाला का किया गया आयोजन। कहा, लेखपालों को दक्ष बना करके शासन की योजनाओं को निचले पायदान के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का करेंगे कार्य। छब्बीस अप्रैल को आयोजित होने वाले कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों व अध्यापकों के साथ की बैठक। कहा, हर 3 महीने पर बच्चों का होगा परीक्षा, पढ़ाई में बनाया जाएगा बच्चों को दक्ष। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने गांव के किसानों से की अपील। कहा, किसान अपने खेतों के डंठलों में ना लगाएं आग, खाली खेतों को दे जुतवा, आग लगने पर डायल 112 और 101 व फायर स्टेशन को तुरंत दे सूचना। भाजपा के 3 दिवसीय जिला व महानगर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग शिविर का हुआ शुभारंभ। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, भाजपा की नीतियों को कैसे कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाएं, यही प्रशिक्षण शिविर का है उद्देश्य। और रविवार की दोपहर मौसम ने बदला रुख। कड़ी धूप और गर्म हवा चलने से लोग हुए परेशान। उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप से शरीर को राहत देने के लिए जनपद वासियों ने किए कई जतन। कोई गन्ने का तो किसी ने बेल के रस का तो कईयों ने लिया सत्तू का सहारा।